हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आगे हमने देख लिया लेसन नंबर जो 10 है, मैटर एंड इट्स स्टेट्स, थ्री स्टेट्स, थ्री फॉर्म्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। अब हम इनके जो एक्सरसाइज है वो करते हैं, ट्रू और फॉल्स। All solids can be compressed. सब solids को हम compressed कर सकते हैं। तो true or false? This is false statement. Next is gases spread out and occupy all the space they get. गैस जो है वो इधर उधर फैलता है और उनको जितनी जगह उन्हें मिलती है वहाँ वो फिट हो जाता है। तो यस, दिस इज ट्रू। लिक्विड्स डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम। लिक्विड को फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम नहीं होता। सो दिस इज गलत स्टेटमेंट, क्योंकि इनका शेप नहीं होता है फिक्स्ड, लेकिन इनका वॉल्यूम फिक्स्ड रहता है। हमने वो जो जूस की बोतल का आगे एग्जांपल देखा था कि वो वॉल्यूम तो इनका 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा, लेकिन उनका शेप जिस भी बर्तन में हम भरेंगे उनके जैसा हो जाएगा। तो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। Water evaporates without being heated. Water evaporates होता है इनको गर्म किए बिना। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि water evaporates even without being heated, गर्म किए बिना भी जो पानी है वो evaporates होता है। तो ये statement true आएगा जो 4 number का है, ट्रू। ठीक है, ड्यू, फॉग, मिस्ट एंड क्लाउड्स आर एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन इन नेचर। तो ट्रू। फिफ्थ स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। The changing of a liquid into its vapor is called boiling, evaporation or condensation. क्या है? The changing of a liquid into its vapor is called, क्या कहलाता है? Evaporation. आगे आपको देखने के लिए मिलेगा कि Changing of water of any liquid into its gaseous state is called evaporation. ठीक है, नंबर टू is the changing of a vapor into a liquid is called, यहाँ पे उल्टा है, यहाँ लिक्विड से वेपर बनता था, यहाँ वेपर से लिक्विड, तो वो क्या कहलाता है? Condensation. Gases have a fixed sap, अ फिक्स्ड वॉल्यूम, नो फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम। गैसेस को फिक्स्ड शेप होता है, नहीं होता, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। द आंसर इज नो फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम, ऑप्शन सी। Which of these is not an example of condensation in nature? इनमें से कौन सा example condensation of nature नहीं है? The answer is option B, snow. Which of these can be compressed? इनमें से कौन, किसको हम कंप्रेस्ड कर सकते हैं? सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस? द आंसर इज सी,
गेसेस। ठीक है बच्चों, तो आज आप ट्रू और फॉल्स और चूज द करेक्ट ऑप्शन आपके नोटबुक में आप करेंगे। ठीक है।